वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमा शंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमा शंकर साहू और आज हम बात करेंगे बीएटी या डीएलएड के लिए। जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है, इसी सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बीएड डीएड से संबंधित, बीएड डीएड काउंसलिंग से संबंधित, बीएड डीएड प्रैक्टिकल से संबंधित काफी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर डाले हुए हैं, अपलोडेड है। तो वहां पर जाके आप वीडियोस आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए अपडेटेड नोटिफिकेशन के लिए बने रहेगा, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आपको बीएड जब आप करते हैं तो बीएड में अगर जब आपका नाम आ जाए, डेट मैंने इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगा कि कब से कब तक बीएड और डीएलएड फर्स्ट काउंसलिंग का फर्स्ट जो एडमिशन है वो चलने वाला है। तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बीएड एडमिशन और डीएड एडमिशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे पहला को 10 जो 10वीं का आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसकी कॉपी लगेंगी। कितनी कॉपी भी लगेंगी ये इसके लिए बात करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर रिक्वायर होगी। आप देख पा रहे हैं ग्रेजुएशन ऑल ईयर सेम लिखा हुआ है, तो ग्रेजुएशन कई जो होते हैं वो सेमेस्टर में होते हैं, तो यहाँ पर सेम इसीलिए लिखा हुआ है और सारे ईयर सारे सेमेस्टर के यहाँ पर आपको मार्कशीट लगने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको उनके उसके सारे मार्कशीट आपको लगेंगे सारे सेम के। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आपके पास अगर कोई अदर डिग्री या सर्टिफिकेट है और आपने लास्ट ईयर पढ़ाई किए हैं, जैसे पीजीडीसी वगैरह, डीसी हो गया, डिप्लोमा हो गया, काफी सारे और अदर डिग्रीज होते हैं हमारे पास, या डिप्लोमा के सर्टिफिकेट होते हैं, तो उसके सेमेस्टर या ईयर के आपको मार्कशीट देने होंगे। चलिए आगे बात कर लें डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ये आपके छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनको लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट बारे में बात करें तो जाति प्रमाण पत्र जो है ये छत्तीसगढ़ के ही स्टूडेंट को लगने वाला है, अदर स्टूडेंट अदर स्टेट के स्टूडेंट को नहीं लगने वाला। गैप सर्टिफिकेट उन्हें लगेगा जहां पर उनका गैप होता है। जैसे मैं बात कर रूं आपको कि जैसे आप एक साल गैप है, अगर 2000 अभी 22 21 में आपने पढ़ाई की है, 2022 आपका गैप रहा, उसके बाद 23 में आप कर रहे हैं, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा और सबमिट करना होगा, और गैप सर्टिफिकेट जो होगा ओरिजिनल आपको देना होगा कॉलेज में। इसके लिए आपको मैं बता दूं गैप सर्टिफिकेट के लिए जैसा होता है तो आपको एडमिशन के ही टाइम ऐसा नहीं है कि आपको देना है। कई कॉलेजों में अगर आप बात करेंगे कि 1 दिन 2 दिन का हमें समय दिया जाए तो आपको इसके लिए समय दे देते हैं, लेकिन आप ये तैयारी रखिए अगर आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो जरूर अपने साथ गैप सर्टिफिकेट ले जाइए ओरिजिनल वाला। माइग्रेशन के बारे में बात करें, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को लगता है, ये ओरिजिनल है। अब अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कहने का मतलब है कि मैंने अगर रविशंकर में पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी रविशंकर से जो एफिलेटेड जो कॉलेज है मैं वहां पर एडमिशन ले रहा हूँ, तो और अगर मैंने पहले हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई किया हुआ है, या फिर मैंने बिलासपुर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, या फिर मैंने बस्तर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, या हम कह ले हम अदर स्टेट के जो यूनिवर्सिटी है वहां से हमने पढ़ाई किए हैं, तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मतलब जहाँ अदर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होंगे वो स्टूडेंट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा ओरिजिनल। चलिए बात कर लेते हैं हम टीसी के बारे में, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो या इसी को हम कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कहें, तो ये भी आपको ओरिजिनल देना होगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल देना होता है। इसके लिए क्या करना होता है आपको मैं बता दूं, एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो तुरंत देना नहीं होता है, ये आपकी कॉलेज ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर भी एडमिशन काफी सारे कॉलेज दे देते हैं, और इसके लिए आप एप्लीकेशन लिख के आप सबमिट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अपना आप अलॉटमेंट लिस्ट आप क्या कर सकते हैं, वहां यूनिवर्सिटी में जाके आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको अप्लाई करना होता है फॉर्म,
और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको कुछ फीस होती है 570 रुपये के आसपास, या मे बी 570 या 700 के आसपास, 870 ऐसा कुछ। तो ये फीस आपको आप रविशंकर से करते हैं तब की बात है। तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको टाइम मिल जाता है, ये तुरंत जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये किनको लगता है, ये अदर जो स्टेट के जो स्टूडेंट है, ये छत्तीसगढ़ वालों को किसी को नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, ये अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट है ये उनके लिए है। आधार कार्ड की कॉपी आपको लगेगी, सरनेम चेंज सर्टिफिकेट, अगर आपने सरनेम चेंज करवाया, ये तो ये मैंने लिखा हुआ है ओनली फॉर मैरिड फीमेल कैंडिडेट, जैसे सरनेम चेंज हो जाता है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपना सरनेम चेंज सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे, यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, तो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आप निकलवा लीजिएगा। एक्सेप्ट और रिजेक्ट की बात आ रही थी, तो जहां पर आप अगर एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो आप क्या कर लीजिएगा, पहले से एक्सेप्ट और रिजेक्ट मत करिएगा। जब इसमें क्या है, अगर आप चले गए और एक्सेप्ट कर लिए, और आपने एक्सेप्ट करने के बाद उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपको जो फर्स्ट काउंसलिंग का जो दूसरा लिस्ट है उसमें नाम आपका नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर एक्सेप्ट का बटन दबा लेते हैं तो आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, लेकिन आपने गलती से एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो आपको वहां पर जो फर्स्ट काउंसलिंग का जो फर्स्ट सेकेंड लिस्ट आने वाली है उसमें आपका नाम नहीं आएगा, या आप पार्टिसिपेंट नहीं होंगे सेकेंड जो सेकेंड लिस्ट के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कहाँ जाते हैं, आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो आप अलॉटमेंट जो है पहले से ना निकाले जब आप कॉलेज में जाते हैं, और जब आपको फिक्स ही है कि आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको फीस सही लग रहा है वहां की, तो आप जरूर से अपना अलॉटमेंट लिस्ट या एक्सेप्ट करके आप निकाल लीजिएगा। ये प्री बीएड रिजल्ट ये भी आप अपने साथ रखिएगा। अब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो कितने सेट में होने चाहिए, लगभग आपके पास दो से, ये दो से तीन सेट आपके पास होने चाहिए। दो से तीन सेट इसलिए क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस जो होते हैं वो अपने पास एक सेट रखते हैं, और एक सेट जब एडमिशन हो जाता है और जब हमारा एनरोलमेंट होता है तो एनरोलमेंट के साथ एक कॉपी भेज देते हैं, तो इसके लिए दो सेट सबमिट करवाते हैं, तीन सेट सबमिट करवाते हैं, ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा में उनका डॉक्यूमेंट्स रहे। लेकिन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमको एक ही सेट जमा करने हैं, और बाकी कॉलेज जो है सुविधा के लिए बार बार ना मंगाना पड़े आपको, या बार बार आप डॉक्यूमेंटेशन ही करते रहे, तो इसलिए कॉलेज क्या करते हैं दो से तीन सेट मंगवा लेते हैं। तो ये आप रखिए तैयारी में। चलिए हम बात कर लेते हैं डीएलएड स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर डीएलएड स्टूडेंट को क्या क्या सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा ये बात कर लेते हैं। डीएलएड का वैसे भी आप सबको पता है कि डीएलएड जो है 12 बेस पे होता है, तो 12 बेस पे होता है, तो आपको सबसे पहले जो चीजें हैं, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट आपको लगेगा, ग्रेजुएशन ऑल ईयर अगर आपने कर लिए हैं तो ऑल ईयर आर सेम का आपको लगेगा ही, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर लिए हैं, कई सारे लोग जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी डीएलएड का कोर्स करते हैं, तो आप ऑल ईयर आर सेम का जो है अपना सर्टिफिकेट, अपना जीरोक्स कॉपी आप तैयार रखेंगे। अगर आपके पास कोई अदर डिग्रीज है तो आप जरूर उसको अटैच कर लीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ये अदर स्टेट के लिए नहीं है, पहले भी मैंने बताया है। कास्ट सर्टिफिकेट जो अदर स्टेट के लिए, जो अदर स्टेट से जो स्टूडेंट है उनके लिए नहीं लगेगा। गैप सर्टिफिकेट भी आप देख पा रहे हैं कि आप जैसे गैप सर्टिफिकेट के लिए, इसके लिए मैं बता दूं आपको, छत्तीसगढ़ वालों के लिए अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट अगर गैप है उनका, तो उनको गैप लगेगा ही, लेकिन छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक क्राइटेरिया होता है। छत्तीसगढ़ वालों के लिए आप जैसे आपने 2021 में, 2022-23 में, 22-21, 22-23, 21-22-23 में अगर आपने पढ़ाई किए हुए हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो एक क्राइटेरिया होता है 3 साल 2 साल का, वो जैसे ही एनरोलमेंट का जब फॉर्म आता है ना, तो ये आपको लगता है। चलिए आगे हम बात करें माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा ही, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप सीजी बोर्ड वाले हो, चाहे आप रविशंकर वाले हो, हेमचंद वाले हो, बिलासपुर वाले हो, या अदर स्टेट के कोई भी अन्य यूनिवर्सिटी के, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल देने ही होंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको ओरिजिनल देने होंगे, चाहे आप कोई भी कॉलेज से पढ़ाई किए हो। आधार कार्ड आपको देने होंगे, सरनेम चेंज सर्टिफिकेट अगर है
ऐसा कंडीशन है तो आपको सबमिट करने होंगे कॉलेज अलॉटमेंट लेटर और प्री डीएलएड आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको देने होंगे। बाकी और जो जानकारी है जैसे एनरोलमेंट के टाइम और कोई डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको कितने सेट में जमा करने हैं, 2 से 3 सेट में आपको जमा करने हैं। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने पहले भी कहा कि जहां पर 1 सेट मांगा जाता है आप 1 सेट कीजिएगा, 2 सेट मांगा जाता है तो आप 2 सेट कर दीजिएगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें और अपने साथ लेके जाएं। और फीस के बारे में अगर बात करें तो फीस अपने हिसाब से ऐसा रहता है कि कोई भी कॉलेज आपको बाध्य नहीं कर सकता कि पूरा फीस देना है। आप जैसे आपके पास अगर 50% भी आप अगर है, सपोज आप आपका जो फीस है 30,000 है, सपोज 30,000 है तो 15,000 आपको क्या करने होंगे, सबमिट करने होंगे। तो 50% अगर आप सबमिट करते हैं तो फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सपोज आपका सेमेस्टर का फीस जो है आपको 17,000, 18,000 है, 10,000 भी आप करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एससीईआरटी के ये में आप पता करेंगे तो आपको सारा चीज वैसे बता देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए हम आपको ये जो जानकारी दिए हैं वो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो ये शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और उनको ये जानकारियां मिल जाए ताकि वो एडमिशन के लिए जाए तो उनको कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।